हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन के टॉपिक लर्निंग बियॉन्ड टेक्सटबुक यानी कि अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाती रहती हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो देखिए, पहले की जो हमारी लर्निंग हुआ करती थी, जो ट्रेडिशनल मेथड था, उसमें टेक्स्ट बुक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। टेक्स्ट बुक के द्वारा ही पढ़ाया जाता था। टीचर टेक्स्ट बुक से कुछ चीज़ें बोल देते थे और जो बच्चे हैं उन्हीं चीज़ों को समझते थे, और टीचर और लर्नर के लिए टेक्स्ट बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। टेक्स्ट बुकिश हुआ करती थी जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, क्योंकि पूरी तरह से स्टूडेंट और टीचर दोनों ही टेक्स्ट बुक पर निर्भर थे। लेकिन ये एक गलत तरीका था। टीचर्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि टेक्स्ट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग, बट इट शुड नेवर बी द ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग। मतलब कि टीचर्स शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड डिफरेंट वेज टू वाइडन द इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऑफ चिल्ड्रेन, बिकॉज अगर वो अलग अलग तरीके नहीं अपनाएंगे तो वो बच्चे उसी चीज में सीमित रह जाएंगे। बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो बर्ड्स की तरह होते हैं। इफ यू ट्राई टू कन्फाइन देम इन वॉल्स ऑफ टेक्स्ट बुक, दे विल नेवर बी एबल टू फ्लाई हाई। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को टेक्स्ट बुक से बाहर निकाल के नॉलेज दी जाए। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरा है, और ऐसे टाइम पे अगर हम बच्चों को सिर्फ बुक्स तक ही सीमित रखेंगे तो वो अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि हम बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करवा के ईजिली रिटेन करवा सकते हैं चीज़ें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स जो है वो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाके बच्चों को चीज़ें सिखाए। तो उसके लिए बहुत से हमारे पास सोर्सेज हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ 20 सोर्सेज डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो कोई भी आपको अच्छे लगते हैं आप एग्जाम्स में वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर लर्निंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या है, करंट हैपनिंग्स होते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जानना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या सोशल इश्यूज़ है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, कुछ गेम्स वगैरह हो रही हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, क्या नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही है। जितनी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे न्यूज़पेपर वगैरह से चीज़ें सीखें। नेक्स्ट इज इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, एक रेफरेंस वर्क होता है जिसमें बहुत वास्ट इन्फो होती है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इंसाइक्लोपीडिया ज़रूर देखें। लेकिन इस तरीके की वो बुक्स होती हैं कि देखते ही बंदे के मन में ना खुशी आ जाती है कि इतने इंटरेस्टिंग वे में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है, आर्टिकल्स वगैरह होते हैं कि आपको देखते ही पढ़ने का मन करता है। इंसाइक्लोपीडिया ऐसे भी हो सकते हैं कि कंबाइन हो, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत हो, और अलग अलग भी होती हैं। तो इससे भी क्या है, बच्चे को एक वास्ट इन्फो मिलती है, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, और उन्हें इंटरेस्ट आता है किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेट की। अब अगर ढंग से यूज़ किया जाए तो इंटरनेट एक बहुत ही यूज़फुल सोर्स ऑफ लर्निंग है। वो अलग बात है आजकल बच्चे थोड़ा इसे मिसयूज़ करने लगे हैं, लेकिन अगर इसे ढंग से यूज़ किया जाए तो इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। बिकॉज इंटरनेट की मदद से हम कहीं पे भी किसी भी कोने की खबरें जान सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस, अगर कुछ हमें काम करना है तो उसके बारे में जो कुछ भी चाहिए हम एक सिंगल क्लिक में वो सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है लर्निंग का। नेक्स्ट इज होली बुक्स। हमारी जो होली बुक्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लोग जो हमारे देश के नहीं भी हैं, फॉरेनर्स वगैरह भी हमारी होली बुक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बहुत वास्ट इन्फो है दैट हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू चेरिश लाइफ, हाउ टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, और ऐसी ही बहुत सी बातें। तो जो हमारी बुक्स है जैसे कि भगवद गीता बहुत ज़्यादा फेमस है ये, रामायण, महाभारत ग्रंथ हमारे, कुरान, इन सब में बहुत ही इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो ये भी एक तरीके से सोर्स ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैगजीन्स के बारे में। मैगजीन्स वगैरह में बहुत ही यूज़फुल आर्टिकल्स होते हैं, कुछ भी न्यू इन्वेंशंस होती है तो उस पर मैगजीन्स होते हैं, कुछ रिसर्च वर्क चल रहा है तो उसके बारे में आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। तो इससे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या चीज़ें चल रही है या किस पे काम हो चुका है, और अगर किसी पे काम हुआ है तो उस रिसर्च वर्क में क्या हमें यूज़फुल मिला है, ये सारी बातें जानने का मौका मिलता है मैगजीन्स के थ्रू। तो इसीलिए ये भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग है।
नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स एज अ सोर्स यूज किया जा सकता है किसी भी चीज को समझने के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए। पर्सनल कंप्यूटर्स, रेडियोज, ये सारे क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाते हैं। तो इसमें बच्चे क्या है, वीडियोस और रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन के थ्रू बहुत सी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जान सकते हैं। जैसे कि टीवी पे चैनल्स आते हैं डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, तो उसमें क्या है कि बच्चों को अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलता है। और वीडियोज के थ्रू चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग बन जाती है कि वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि उन्हें चीज़ों को जानना है। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट इज पिक्चर्स एंड चार्ट्स। अब पिक्चर एंड चार्ट्स अगर हम लोअर क्लास के बच्चों के लिए बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रैब देयर अटेंशन। बट वेन वी यूज पिक्चर्स एंड चार्ट्स, वी कैन ईजिली ग्रैब देयर अटेंशन। लाइक आपने देखा होगा कि बच्चे किसी भी चमकती चीज को देखकर, या फिर इवन बहुत छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो चार्ट्स वगैरह को देखकर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इनको भी एज अ लर्निंग सोर्स की तरह यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल। अब जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के बारे में ही बताना चाहते हैं या फिर किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, अब जरूरी नहीं है कि आप उन्हें वहां पे ले जा सकें, तो ऐसे में कौन हेल्प करता है, मॉडल्स। मॉडल्स के थ्रू हम उन्हें सारी चीजें समझा सकते हैं और इससे बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल भी इंप्रूव होगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो चीजों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज नॉवल्स एंड फिक्शनल स्टोरीज। अब जो नॉवल्स और फिक्शनल स्टोरीज होती है, जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमारी इमेजिनेशन पावर इन्हेंस होती है, क्योंकि जब भी चीज़ों को पढ़ा जाता है ऐसा लगता है कि, ऐसा कहा जाता है कि जो दिल से बुक्स को पढ़ते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बुक्स उनके साथ बातें कर रही है। तो उससे क्या है कि उनकी इमेजिनेशन पावर भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसके बारे में हम दिमाग में इमेजेस बनाने लगते हैं। तो बच्चों के लिए अलग अलग नॉवल्स वगैरह आती हैं, फेरी टेल्स आते हैं जैसे स्नो वाइट, सिंड्रेला, और एडल्ट्स के लिए हैरी पॉटर, ट्विलाइट जैसी कुछ नॉवेल्स ऐसी होती हैं जो हमें बताते हैं कि हम कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्या है, एक सोर्स ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट इज जर्नल्स। अब ये क्या होती है, एक तरीके का न्यूज़पेपर या मैगजीन जैसा होता है जिसमें एक ही टॉपिक पर या एक ही किसी प्रोफेशन को लेकर इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन हो। तो इससे भी हेल्प मिलती है बच्चों को चीज़ें सीखने में। नेक्स्ट इज लिटरेचर। अब लिटरेचर में हमारे आ जाते हैं पोएट्री, प्ले, ड्रामास, स्टोरीज। तो जब बच्चे वो पढ़ते हैं तो उससे उनकी रीडिंग और थिंकिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होती ही हैं, और इसके साथ साथ उनकी वोकैब और राइटिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इज लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट। अब जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा हासिल किया हो उस फील्ड में, अगर आप उनकी बातें सुनते हैं, उनके अनुभवों को जानते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो आपको ऐसी बातें बताते हैं, ऐसे अनुभव आपके साथ साझा करते हैं अपनी ज़िंदगी के, जो शायद आपको किसी बुक में ना मिले। तो बहुत ज़रूरी है कि उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स को अटेंड करें बच्चे, तो उनकी गाइडेंस के थ्रू वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा TVF एस्पिरेंट्स जो सीरीज़ आई थी, वेब सीरीज़, उसमें भी एक IAS को बुलाया जाता है ताकि वो अपने अनुभव साझा करे। और वही बात जब बच्चों के दोस्त एक दूसरे से बोल रहे थे तो वो उन्हें लगता है कि ये ऐवें ही बोल रहे हैं, वो उतनी कुछ अच्छी बात नहीं है। और वही बात जब एक्सपर्ट उस लेडी द्वारा बोली जाती है जो IAS होती है, तो वो उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ऊंचा कह दिया उन्होंने, कुछ बहुत अच्छा सिखाया। तो एक गाइडेंस मिलती है कि कैसे अपनी लाइफ को लीड करना है। नेक्स्ट इज फैमिली और होम। अब फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग है, क्योंकि बच्चा जब भी कुछ चीज़ सीखना शुरू करता है वो अपने परिवार से ही सीखना शुरू करता है। और परिवार में क्या है कि बहुत सी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, तो वो सबसे कुछ ना कुछ सीखता है। और इंडियन लिटरेचर में मदर को बच्चे का पहला चाइल्ड, सॉरी, पहला टीचर बोला गया है, कि किसी भी चाइल्ड के लिए पहली टीचर कौन होती है, उसकी मदर होती है, क्योंकि वही उसे दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाती है, वही उसे दुनिया की चीज़ें सिखाती हैं। तो इस तरीके से फैमिली भी क्या है, एक लर्निंग सोर्स है। नेक्स्ट इज ग्रुप टास्किंग। ग्रुप टास्किंग मतलब जब हम ग्रुप्स में कोई चीज़ काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह जैसे दिए जाते हैं, तो वो ग्रुप्स में किए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं ग्रुप्स में, ताकि बच्चे बुक्स से बाहर निकल के कुछ सीखें। ग्रुप में जब हम काम करते हैं तो हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना हमें आता है, और हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते भी हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रख भी सकते हैं, इस तरीके से कि उन्हें भी बुरा ना लगे। तो जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है, पेशेंस हम में आता है कि कैसे हम पेशेंटली काम करें।
कोलैबोरेटिव वर्किंग स्किल्स आती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमारी पढ़ाई खत्म होगी कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, वहां हम अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ और लोग भी होंगे, तो एक ग्रुप में काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एक सोर्स ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग है, ये स्टूडेंट हो या टीचर दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर टीचर्स भी क्या है लाइब्रेरी जाते रहते हैं। कोई भी टीचर इतना ज्यादा वो नहीं होता कि सारी चीजें उनके दिमाग में ही हो, क्या करते हैं लाइब्रेरी में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखते हैं जिससे उन्हें चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है और वो बच्चों को बेहतर समझा पाते हैं। और लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ थोड़ी सी जगह में ही हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस चीज़ में भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसके बारे में चीज़ें जान सकते हैं। तो इस तरीके से लाइब्रेरी भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप्स। अब पीयर क्या होते हैं, वो लोग जो हमारी ही एज के हों, जो हमारे ही साथ के हों। तो जो हमारी एज ग्रुप वाला बंदा होता है वो हमें चीज़ें क्या है वो जानता है कि हमारा सीखने का दायरा कितना है, क्योंकि वो भी हमारे साथ है, उसे पता है कि हमें किस लेवल की चीज़ समझ में आएगी। इसीलिए हम बच्चे क्या कहते हैं ग्रुप स्टडी करते हैं, एक साथ पढ़ेंगे तो दूसरों को पढ़ा भी पाते हैं और खुद को भी अच्छा फील होता है। कहते हैं ना कि अगर साथी अच्छा हो तो पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, तो वही वाली बात आ जाती है कि पीयर ग्रुप से भी क्या है एक सोर्स ऑफ लर्निंग है, कुछ हम सीखेंगे और कुछ हम उन्हें सिखाएंगे। नेक्स्ट इज एजुकेशनल गेम्स। तो आपने अक्सर एटलस, पजल्स, बिंगो वगैरह खेले होंगे, ये एक तरीके की क्या है एजुकेशनल गेम्स है, क्योंकि एटलस से अगर हम देखते हैं तो हमें अलग अलग कंट्रीज के बारे में पता चलता है जिससे हमें नॉलेज मिलती है, तो इस तरीके से ये भी क्या है सोर्स ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया रिसोर्स। तो हमारे जितने भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे स्मार्टफोन वगैरह, यूट्यूब, ट्विटर, जूम मीटिंग्स, गूगल क्लासरूम, इन सबसे क्या है हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब देखिए यूट्यूब पर क्या है कि आप एक ही टॉपिक पर डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स की वीडियोस देख सकते हैं, एक से समझ नहीं आ रहा दूसरे से समझ ले, दूसरे से नहीं आ रहा तीसरे से, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो जिससे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, इवन टीचर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नई से नई इंफॉर्मेशन गेन करें और अप टू डेट रहें। नेक्स्ट इज फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स यानी कि जैसे बच्चों को अक्सर ले जाया जाता है ट्रिप्स पे, जैसे साइंस पार्क्स ले गए, साइंस सिटी ले गए, जहाँ पे उन्हें साइंस रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता चले। अगर कोई चीज़ आप जस्ट नॉर्मली बताते हैं तो वो शायद उतनी अच्छी समझ में ना आए जितनी वो देख के कोई चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि तब क्या है ऑब्जर्व भी करेंगे और आंखों के सामने होगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ समझ में आ पाएगी। या फिर फोर्ट्स वगैरह में लेके जा सकते हैं हमारी कला और संस्कृति के बारे में बताने के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह में लेके जा सकते हैं ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से प्रोडक्शन होती है, क्या सारा प्रोसीजर है, जिससे बच्चों को क्या है एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और वो चीजें सीखने के साथ साथ उन्हें इंजॉय भी करेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिटी रिसोर्स। तो कुछ कम्युनिटीज क्या है कि कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ऑर्गेनाइज करवाती हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाती हैं, कुछ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, एग्जीबिशंस, एजुकेशनल फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह दिखाते हैं जिससे बच्चों को बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। तो इस तरीके से कम्युनिटी भी क्या है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग है अदर देन टेक्स्ट बुक। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि बच्चा एक से ज्यादा सेंसेस यूज करता है, बच्चों के लिए एनवायरनमेंट इंटरेस्टिंग बनता है, उन्हें मजा आता है चीजें जानने में, एडुटेनमेंट है यानी कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिक्स करके जो टर्म बनती है कि वो सीखते भी है और उन्हें मजा भी आता है चीजों को समझने में, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, क्रिएटिविटी आती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स ये सारी इंप्रूव होती हैं, मेमोरी बूस्ट करती हैं ये सारी चीजें। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में ही सीमित ना रखा जाए बल्कि अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग को भी यूज किया जाए ताकि उनके सोचने का दायरा बढ़े, और जब सोचने का दायरा बढ़ेगा तभी वो चीजों को बेहतर समझ पाएंगे और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ये रैट रेस से हटकर कुछ नया, कुछ अच्छा कर पाए। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, और फिर भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।